हेलो आज मैं नानी के घर पे लास्ट दिन है फिर मैं ना अपने पापा के घर पे जाने वाली हूँ कल सुबह होके पापा के घर पे जाऊंगी पता नहीं पापा के घर पे कैसे रहूँगी दीदी के बिना भैया के बिना इसलिए आज दीदी और भैया दोनों मिल मिलके मुझे खिला रहे है भेजल दीदी है ना वो मुझे देख कर रोज रोती है कि जाने वाली जाने वाली। अब मेरी सुबह गुड मॉर्निंग हो गई मम्मा सुबह सुबह ही मेरा वीडियो करने लग गई क्योंकि ना मैं सुबह सुबह मॉर्निंग में नहीं त्यारापा के घर पे जाने वाली हूँ न इसलिए ये हैजल दीदी देखो मुझे सलाह रही है कि बाय बाय कर रही है क्यूँकी हजल दीदी को अब स्कूल जाना है स्कूल भी तो जाना पड़ता है ना अब मुझे नानी मम्मी ने तैयार भी कर दिया अब बस हो गई अब मैं रेडी पापा के घर जाने के लिए पता नहीं नानी मम्मी को क्या जल्दी है पापा के घर भेजने की, की मेरे को जो तैयार करी खिला रही है और मैं जाऊंगी ना तब ये तो अब रेलवे स्टेशन पे भी आ गए क्यों मुझे ना कार में जाना अच्छा नहीं लगता मम्मा को है ना उल्टी होती है इसलिए मैं ना ट्रेन में जाते हैं मुझे ट्रेन का सफर बहुत अच्छा लगता है हलो अब ट्रेन में बैठ भी गए ट्रेन में हिंदी आते है ना तब मैं सैतानी के, के सो जाती हूँ सोने के बाद इतना सुकून मिलता है जैसे कि मैं घोड़ी में सो रही हूँ इतना अच्छा लगता है और इतना अच्छे अच्छे मौसम होता है ये देखो पापा सारा वीडियो कर रहे हैं मौसम का ट्रेन में कितना अच्छा लगता है सफर हो तो ट्रेन जैसा कार में क्या है कुछ नहीं रखा है कार में तो ऐसे ही लोग कार कार करते हैं हम तो ट्रेन में ही खुश रहते हैं देखो मैं सोच सोच कर रही हूँ रही करी जैसे कि घोड़ी में सो रही हूँ में मम्मा कितने प्यार सुधार रही है पता नहीं मम्मा के ना पाऊ दर्द होते हैं कि नहीं होते क्या करे मम्मा को तो सब कुछ एडजस्ट करना पड़ता है ना अब मेरा घर आने वाला है इसलिए मम्मा मुझे उठाने में बिजी है क्यों चूतूत घर आने वाला है अपना भी तो फिर तू तो क्या देखेगी अब उठ गई अब मैं छप को देख रही हूँ कि यहाँ पे छब क्या कर रहे हैं कोई बड़े वाला आ रहा है कोई पूरी वाला आ रहा है कोई टोपी वाला आ रहा है छप को जो कर रही हूँ पापा तो मेरा वीडियो बनाने में भी डी ये नहीं देखे आस पास में क्या क्या चीजें आ रही है लो अब मेरा घर आ ही गया ये अब हम स्टेशन से उतरने वाले बस आ गए मैं अगर चलो चलो सामान लो जल्दी जल्दी सामान लो फिर हम उतर जाएंगे ये देखो ये आंटी जी खड़े हो गए मम्मा ने बोला खड़े हो जाओ फिर पर फिर बोला ट्रेन तो यहीं तक रहेगी तो हम खड़े होके क्या करेंगे हम आराम से जाएंगे अपने खुद की गाड़ी है फिर हम बैठ गए ऐसे ट्रेन के धक्के दे सबके बीच 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 में से हम आराम से जाएंगे बस मैं देख रही ये सब कहाँ जा रहे हैं बैग पकड़ के पता नहीं क्या होता जाता है यहाँ पे सब ऑब्जर्व कर रही हूँ मैं बड़ी के सब पता करूंगी फिर मैं भी अकेले ट्रेन में जाऊंगी ये देखो पापा फिर से वीडियो बनाने में बिजी है पता नहीं पापा को क्या शौक है वीडियो बनाने का दिन भर मेरा वीडियो बना मैं ट्रेन में भी शैतानी करती हूँ ये देखो मेरी शैतानी मुझे वहां जाना है जिले के पास वहां से देखना है मम्मा कह रही ले, तुझे फ्लाइट में बैठती हूँ मैं कहूँ नहीं मुझे डर लगता है फ्लाइट में मत भेजो हम लो लोग हम स्टेशन पर उतर गए पता है, मैं स्टेशन देख के बहुत खुश हुई मैंने पहली बार स्टेशन को ऑब्जर्व किया सब चीजें देखी मैंने यहाँ की गाड़ी कुत्ते स्टेशन पे कुत्ते भी होते हैं मैंने पहली बार देखा तो देखे मैं बहुत खुश थी राजस्थान की बात ही कुछ अलग है सच में बहुत अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पे यहाँ की चित्रकारी बहुत अच्छी है मैं सब देख रही धूप आ गई धूप में तो मेरी आंख ही नहीं खुलती है फिर भी मैंने कहा चलो कुछ नहीं धूप है तो है जाना तो पड़ेगा मैं फिर धीरे 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 जा रही हूँ सब चीजें देख रही हूँ यहाँ पे क्या क्या है ये लोग कहाँ आते हैं कहाँ जाते हैं पता नहीं क्या क्या होता रहता है यहाँ पे सब देख रही हूं। मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ बाय फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट पार्ट टू ज्ञान अपने पापा के घर पे जाने का प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड माय